अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं अभी। उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर ज़रूर बना हुआ है पर वो हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हमारी आदरणीय लोक गायिका शारदा सिन्हा जी, जिन्होंने छठ गीत के माध्यम से पूरे विश्व तक छठ पर्व की महिमा का गुणगान किया था, वो अभी दिल्ली के एम्स में आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर से बात की है और शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन सिन्हा से भी उन्होंने फोन पर हालचाल जाना है। और शारदा सिन्हा जी, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शारदा सिन्हा जी के बारे में आ रही है कि वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। और क्या अजब संयोग चल रहा है कि अभी मात्र 2 दिन के बाद छठ पर्व मनाया जाना है और छठ पर्व की महान शुरुआत आज से हो चुकी है और आज बताया जा रहा कि नहाए खाए का पर्व है। और इसी बीच शारदा सिन्हा जी के बारे में ऐसी बुरी खबर का आना कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल तोड़ रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन सिन्हा ने लोगों के बीच क्या हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान अंशुमन सिन्हा से क्या बातचीत की है, वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हमारे बिहार के समस्तीपुर के एक संभ्रांत परिवार से आने वाली शारदा सिन्हा जी, जिन्होंने भोजपुरी, मैथिली और बॉलीवुड में कई सारे ऐतिहासिक और यादगार गाने गाए हैं और उन्होंने छठ पर्व जो है उनकी गीतों के बिना अधूरा जैसा लगता है। और वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं और वेंटिलेटर का आखिर क्या मतलब होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। और आप इसी से आप गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि छठ पर्व का महान पर्व चल रहा है, नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच ऐसी खबर का आना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को उदास कर दिया है। और इसके बारे में ये भी जानकारी आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंशुमन सिन्हा, जो कि शारदा सिन्हा के बेटे हैं, उनसे फोन पर बातचीत की है, एम्स के डायरेक्टर से बातचीत की है और ये जानकारी शारदा सिन्हा जी के ऑफिशियल एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने दी है। अंशुमन सिन्हा ने एक वीडियो जारी कर अपनी मां शारदा सिन्हा के बारे में हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है कि आखिर उनकी क्या स्थिति है, हम आगे आपको वो वीडियो भी दिखाने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि छठ पर्व के दौरान ऐसी खबर का आना और सबसे बड़ी बात कि हमारी भी आंखें नम हो रही है, हम भी काफ़ी उदास है। और ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा उसे चाहते हैं, जबकि उससे आपका किसी प्रकार का कोई खून का रिश्ता नहीं हो, वैसा ही रिश्ता सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का शारदा सिन्हा जी से है। और ये कुछ वैसा ही है कि हमें भी बहुत लोग प्यार करते हैं और कभी अगर कोई अपशब्द अगर कमेंट बॉक्स में बोल देता है तो हमारे चाहने वाले उसे कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में ही रिलाई कर देते हैं। ये आप लोग का प्यार है जो सदैव बना रहे और आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय शारदा सिन्हा जी के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और कभी भी कोई भी बुरी खबर भी आ सकती है। आपको बताते चले कि डॉक्टर का कहना है कि अचानक उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब आगे आप उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने क्या कहा है वो भी जरा आप सुन लीजिए। मैं लाइव अपडेट देने के लिए आया हूँ, अभी 100 से भी ज़्यादा फोन अभी आ चुके हैं करीब 1 घंटे के अंदर मुझे, और लगातार फ़ोन बज रहा है।
सब बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि गलत खबर आ रही है। अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं, अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर ज़रूर बना हुआ है, पर वो हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई। और यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस हैं अभी पर मैंने कल रात मैंने आँख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था, अभी आँख थोड़ी खुली हुई थी और जो आँखों की जो पुतली होती है, तो मैं क्या करता, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूंगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगे अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं, ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी, थोड़ा सा उनको दूर से जोर से बोल के देखा, तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं, मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हर कोई आपको चाहता है। तो उनकी आँख की पुतली एकदम ज़रा सा, एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि वो लड़ रही हैं अंदर से। तो आप सब भी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ रहिए, गलत न्यूज़ को बिल्कुल मत देखिए। ये गलत न्यूज़ फैलाने वालों की थोड़ी आदत होती है, जैसे आनंद आता है उन्हें इस काम को करने में। कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में भी विशेषकर, जिनको गलत न्यूज़ डालने में बड़ा आनंद आता है। कल मैंने उनकी क्लास भी लगाई, अच्छे नामी ग्रामी लोग हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, लफड़ा हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप कन्फर्म ना कर लें तब तक कोई भी बात, खास करके जब मैं हूँ अवेलेबल बताने के लिए या माँ का ये पोस्ट है, तो उसको देख के बोलना चाहिए, अभी हैं माँ, अच्छी अच्छी एनर्जी भेजिए, आप सब दुआएं भेजिए, अच्छा सोचने से अच्छी एनर्जी जाती है उन तक। एम्स के डायरेक्टर एम एस श्रीनिवासन जी, उन्होंने मुझे आके समझाया कि एक बात याद रखिएगा कि वो अनकॉन्शियस ज़रूर हैं, पर आपका प्रेजेंस, आप उनके बैक में रह के क्या सोचते हैं, आप उन्हें जब देखते हैं, आप किस विचारधारा में हैं, ये सब पेशेंट को अफेक्ट करता है। ये मेडिकल साइंस से प्रूव किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इस बात को अगर अभी आप जान रहे हैं, तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ये डाल रहे हैं कि उनका निधन हो गया है और अब वो नहीं रही हैं, या तो वो उनकी इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए तभी वो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अगर जानकारी की कमी में कर रहे हैं, तो आग्रह है कि प्लीज़ अपने आप को सुधारिए। ये वक्त नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का नहीं है। जब निधन की खबर आएगी तो वो पक्की होगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और वो गलत नहीं हो सकती, उसको गलत बनाने का एक चलन चल गया है। अब हैं वो ज़िंदगी और मौत से इस वक्त लड़ रही हैं, इस वक्त भी TRP और अपना वो व्यूज़ बढ़ाने का काम नहीं करना है, अभी थोड़ा सा वक्त है नाजुक, प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए। छठ का वक्त है, नहाए खाए का दिन है, आज हम सब माँ के गाने सुन सुन के अपना पर्व मनाते थे। अब ये ठानिए कि इस पर्व में हर हाथ, हर छठ करने वालों का जो डाला है उसमें एक दुआ माँ के लिए हो, कुछ प्रसाद माँ के लिए हो, उनके लिए भी डाला उठे, ऐसे मनाइए उनके लिए। उन्होंने जो सेवा दी है उसका सम्मान कीजिए, गलत खबरों का बिल्कुल भी साथ न दें, खंडन करें। बस आगे मैं इस तरह की अपडेट्स जो होगी मैं ज़रूर आकर के दूंगा। आप सब ध्यान रखें, माँ हैं, वो लड़ रही हैं। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे फोन्स मैं वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हूँ, अगर रियल सही अपडेट देने के लिए अभी, तो फ़ोन नहीं उठा पाने पर भी आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं फ़ोन नहीं ले सक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक सेकंड में चार चार कॉल एक साथ बज रही है इस वक्त। तो जो भी मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा नंबर जिनके पास है, वो कॉल करने से पहले थोड़ा गैप ले लेकर के मुझे फ़ोन करें। एक बार कॉल किए तो 10 मिनट रुकिए फिर कॉल कीजिए, ये लगातार करने से मुझे दिक्कत होती है यहाँ पे। और दूसरी बात, कुछ लोग जो बहुत चाहते हैं, जो बहुत भावुक हो रहे हैं, उनको लेकर के बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे कि ऐसा हो भी रहा है या ऐसा कुछ अनर्थ ना हो जाए, वो मिलने की चाह रख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं एम्स के, आदरणीय MS श्रीनिवासन जी, उन्होंने भी मेरे से बात की और इस बात को कहा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि उनसे मिलने के लिए जो भी जाएगा वो उनके लिए एक
मृत्यु का कारण बन जाएगा इस वक्त, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है उनको। वो बहुत फाइन और माइन्यूट लड़ाई से गुजर रही हैं। सो काइंडली आप सब कोऑपरेट करें। और मेरी स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी हो रही है, ये फोन बजे जा रहा है और मुझे ये उठाना है। हाँ भाई, हाँ विशाल माँ वेंटिलेटर पे है भाई, और बाकी और जो न्यूज़ है वो गलत है। अच्छा, दिल्ली में है कि कहाँ है? हाँ दिल्ली एम्स में है, वेंटिलेटर पे है अभी, और बाकी सब गलत है। ठीक है, मैं बात बात करता हूँ। ऐसे 1000 कॉल अभी तक मैं ले चुका हूँ। रटंत लग गया है, बस रटते रहो ये करना है। क्यों इतना फैलाने की जरूरत क्या है? गलत न्यूज दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। धन्यवाद, आप सब दुआ कीजिए। बहुत गहरी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आपने उनके बेटे अंशुमन सिन्हा की बातें सुन ली होगी और उनकी बातों से आपको गंभीरता का अंदाजा लग गया होगा कि उनके बेटे कितने उदास और मायूस नजर आ रहे हैं। और सिर्फ उनके बेटे ही नहीं बल्कि जितने लोग भी छठ पर्व के बारे में जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि शारदा सिन्हा जी को जानता नहीं होगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गाने छठ पर्व पर बनाए गए हैं, लेकिन शारदा सिन्हा के गानों के बिना छठ पर्व अधूरा सा लगता है। और अभी वह दिल्ली के एम्स में आईसीयू में पहले एडमिट थी, लेकिन उनकी स्थिति अचानक जब बिगड़ जाती है तब उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। और वेंटिलेटर का मतलब आप सभी समझ रहे हैं। हम आपसे एक बार पुनः आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आदरणीय शारदा सिन्हा जी के जल्दी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ होने के लिए आप लोग भी दुआ प्रार्थना जरूर कीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबों के बीच में लौट आए। हर छठ पर्व पे उनका एक गाना रिलीज होता था जो कि ब्लॉकबस्टर होता था। आज भी करोड़ों लोग उनके छठ के 2024 के गाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूजनीय आदरणीय शारदा सिन्हा जी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और पिछले लगभग एक महीने से वो लगातार बीमार चल रही है। पहले उनका इलाज पटना में चल रहा था, उसके बाद उनकी स्थिति जब बिगड़ती है तब उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाता है। और एम्स में भी जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तब आईसीयू में ले जाया गया। और बीती रात उनकी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तब उन्हें वेंटिलेटर, यानी कि आप कह लीजिए कि एक लास्ट पोजिशन चल रहा है। और दुआओं में काफ़ी ताकत होती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग और सभी उनके चाहने वाले अगर सच्चे हृदय से अगर दुआएं मांगेंगे तो भगवान हम सबको, हमारे बीच हमारी आदरणीय शारदा सिन्हा जी को एक बार फिर से स्वस्थ होकर वह वापस आएंगी। और प्रभु श्री राम से पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से हम भी यही प्रार्थना करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, आप भी प्रार्थना जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।